ज वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन एंड आज की वीडियो लेक्चर में हम करेंगे इकनो बी सी ए का क्वेश्चन पेपर सॉल्व जो कि मैं ऑलरेडी ये सीरीज स्टार्ट कर चुकी हूँ ये है जून टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का क्वेश्चन पेपर आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर वन का एफ पार्ट क्योंकि ऑलरेडी बाकी के पार्ट्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ आपको अगर देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी क्वेश्चन का लिंक है और प्ले लिस्ट भी मैंने जून टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बना रखी है ये है बेसिक मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर लेट्स गेट इनटू द वीडियो क्वेश्चन देखते हैं उसे सॉल्व करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करिए अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक भी करिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताया करिए क्योंकि आपके फीडबैक्स मैटर्स अलॉट बहुत मैटर करते हैं आपके फीडबैक और बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है मोटिवेशन मिलती है तो वीडियोस और बनती जाती हैं अगर मोटिवेशन कम मिलती है भी कम होती जाती है। लेट्स द वीडियो। तो ये है हमारा क्वेश्चन पेपर और ये है हमारा क्वेश्चन एफ ठीक है तो चलिए हम इसे फटाफट से देखते हैं कैसे करना है हमें ये बोला है शो एड दिस इज इक्वल टू दिस ठीक है इसकी जो वैल्यू आएगी वो इसके इक्वल है तो ये करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ जो हमारे रूल्स हैं वो लगाने पड़ेंगे लाइक like रो और कॉलम वाला ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे रो वन ये हमारी होती हैं कॉलम्स और ये होते हैं हमारे रो ठीक है दिस इज रो वन दिस इज रो टू एंड दिस इज रो थ्री ये कॉलम है तो सी वन बोल सकते सी टू एंड सी थ्री ठीक है तो अभी हम क्या कर सकते हैं आर वन टें टू आर वन माइनस आर टू करना है ठीक है मतलब रो वन में से रो टू को माइनस करना है तो कैसे हमें चेंज किस में करना है रो वन में जिसमें चेंज करना है वो पहले आता है ये है टेंस टू टेंस टू इस तरीके से एरो का साइन होता है ये ऐसे हम अप्लाई करते हैं ठीक है तो ये ऑपरेशन्स कहलाते हैं रो एंड कॉलम ऑपरेशन ठीक है तो हम क्या कर रहे हैं रो वन में चेंज करना है क्या करना है रो वन में से रो टू को माइनस करना है तो पहले इसको रहने देते हैं रो टू को एज इट इज लिख देते हैं क्योंकि इसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा नहीं रो थ्री में भी कोई चेंज नहीं होगा तो इसको भी ऐसे कर देते हैं ठीक है सी स्क्वायर अब इसमें चेंज होगा तो क्या आएगा वन माइनस वन क्योंकि इसमें से इसको माइनस करना है यहाँ क्या है ए ए माइनस रो टू में क्या है बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समझ में आया इस तरीके से हमने ये ऑपरेशन इसमें लगा दिया ठीक है अब हम एक और चीज़ कर सकते हैं क्या करेंगे आर टू अब हम किस में चेंज कर रहे हैं रो टू में आर टू टेंस टू आर टू माइनस आर थ्री रो टू में से रो थ्री को माइनस करने सेम जैसे ये था वैसे इसको अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे चेंज किस में आ रहा है रो वन में आ रहा है नहीं किस में आ रहा है रो टू में तो रो वन को लिख सकते हैं वन माइनस वन इज ज़ीरो हो जाएगा ए माइनस बी दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा वन माइनस वन वन माइनस वन b माइनस सी इसमें से इसको माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्लियर है ये एज इज है इसको इट इज कर दिया अब अब ये सॉल्व करने के बाद क्या बनता है मैं यही लिख देती हूँ इक्वल्स टू ये जीरो है ये हो जाएगा a माइनस बी क्लियर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये एक आइडेंटिटी होती है जिसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी इसकी वैल्यू ये होती है ए माइनस बी और ए प्लस बी ब्रैकेट में ठीक है ये आइडेंटिटी है जो आई गेस एट्थ क्लास में पढ़ाई जाती है ठीक है मैंने यहाँ बता दिया है आप इसको देख लीजिए ठीक है ए माइनस बी और ए प्लस बी तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी क्लियर है अब ये हो गया वन माइनस वन इज जीरो बी माइनस सी हो गया अब यहां भी हम ऐसे ही कर सकते हैं यहां ए की जगह क्या है बी और बी की जगह सी तो बी माइनस सी और बी प्लस सी ठीक है ये रह जाएगा इस तरीके से क्योंकि इसमें तो कुछ नहीं हुआ ये इस तरीके से अब देखिए रो वन में से कुछ कॉमन आ रहा है कॉमन जो रो वन में सब में आ रहा है हर कॉलम में ए माइनस बी यहां भी है ए माइनस बी यहां भी है हम क्या ज्यूम करेंगे यहाँ भी है क्योंकि ये जीरो है तो जीरो से तो कोई मतलब नहीं तो हम क्या कर लेंगे इसमें से इस कॉमन ले लेंगे जो कॉमन लेते हैं वो बाहर आ जाता है तो इक्व टू इसके इसके बाहर आ जाएगा इसके डेटरमिनेंट के बाहर आ जाएगा क्या आ गया ए माइनस बी कॉमन लिया इस रो में से रो वन में से अब रो टू में से देखिए बी माइनस सी कॉमन आ रहा है यहाँ भी बी माइनस सी और यहाँ भी बी माइनस सी है तो बी माइनस सी को भी कॉमन ले लिया अब अंदर क्या बचा जीरो यहाँ से चला गया यहाँ क्या बच्चा वन कॉमन लिया तो ये वन बचा ठीक है यहां से ये यह चला गया तो क्या बचा ए प्लस बी क्लियर है अब यहाँ भी यहाँ से भी चला गया वन और यहाँ पे क्या बचा बी प्लस सी क्लियर और यहाँ क्या बचा एज इट इज ठीक है अब हमें क्या करना है इसका डेटरमिनेंट निकालना है ठीक है ये तो ऐसे ही हो गया इसका डेटरमेंट डेटरमिनेंट में हम क्या करते हैं जब ये जीरो है तो इन दोनों का डेटर्मिनेंट नहीं निकालेंगे सिर्फ इसका निकाल देंगे तो ये हाइट किया ये हाइट किया इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई ऐसे डेटरमिनेंट निकालता है ठीक है क्योंकि ये जीरो है इसलिए अदरवाइज पहले इसको करते इसको हाइट करते इसको हाइट करते मैंने डेटरमिनेंट निकालना सिखाया है आई गेस फर्स्ट वीडियो इसका हाँ जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है उसमें मैंने डेटर्मिनेंट निकालना सिखाया है आप चाहे तो फर्स्ट वीडियो को देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा ठीक है तो मैंने क्या किया क्योंकि ये ज़ीरो है तो मैंने इसको उठाया से तो जिस भी उसको उठाते हैं उसका रो और उसकी कॉलम को हाइट करते हैं ऐसे ठीक है तो पहले क्या करेंगे ये एज इट इज रहेगा ए माइनस बी बी माइनस सी ठीक है इसका निकाल निकालना ब्रैकेट वन लिखेंगे क्योंकि इसका कर रहे हैं ब्रैकेट स्टार्ट होगा अब इसको हाइट किया इसको हाइट किया इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई वन को किसी भी नंबर से किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते तो वही आता है क्या आ जाएगा बी प्लस सी वन को इससे मल्टीप्लाई किया तो बी प्लस सी अब मैंने बोला माइनस का साइन ठीक है और फिर इसको तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी ब्रैकेट में क्योंकि ये माइनस था इसलिए ये ब्रैकेट में है अब मैंने यहाँ ब्रैकेट क्लोज किया दस ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी बी माइनस सी और ये क्या हो जाएगा बी प्लस सी माइनस माइनस प्लस माइनस ए माइनस प्लस माइनस बी ठीक है ये इस तरीके से हो गया अब यहाँ बी प्लस में है यहाँ बी माइनस में कैंसिल ए माइनस बी बी माइनस सी और यहाँ क्या बचा सी माइनस ए और हमें क्या चाहिए था कुछ गलत आया क्या आई गेस सी माइनस ए बी माइनस सी एवन देखो बी माइनस ए चाहिए था मतलब ए माइनस बी कुछ इस तरीके से आया आ गया हमारा ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए ठीक है हमें इस तरीके से करना था अब देखिए इसमें एक हमसे कहीं मिस्टेक हुई है क्या हमें अब बी माइनस ए चाहिए ना कि ए माइनस बी तो क्या हुआ है बी माइनस ए हमने जब यहाँ पे किया ए माइनस बी मतलब आर वन में से आर टू को माइनस किया तो क्या आया ए माइनस बी तो इसी से तो हमारा ए माइनस बी कॉमन आया था तो हमें इंस्टेड ऑफ ए आर वन में चेंज करने की जगह अगर हम आर टू में चेंज करते ठीक है आर टू टेंस टू आर टू माइनस आर वन क्या करते आर टू में से आर वन को माइनस करते तो यहाँ क्या होता वन माइनस वन और यहाँ क्या था बी माइनस ए आता बी माइनस ए तो इस तरीके से ये करना था तो हमारा बी माइनस ए आ जाता क्लियर है ठीक है अभी जो हमने निकाला है मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने मिस्टेकनली ये कर दिया अभी जो मैंने निकाला ए माइनस बी सी माइनस ए आया है हमारा और सेम सेम पैटर्न करना तो कुछ चेंज नहीं था और बिल्कुल आपका आंसर आ जाता ठीक है सेम हमने आर टू में भी जो चेंज किया है मतलब वहाँ पे हमें आर थ्री में चेंज करना चाहिए था क्यों आर थ्री में चेंज करते तो हमारा क्या हो जाता सी माइनस बी आ जाता जो हमें बी माइनस सी आया ठीक है बस ये थोड़ा सा हुआ है अदरवाइज ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं और ऐसे भी दोनों फॉर्म में क्वेश्चन आए हुए हैं ये वाला भी एक बार आया हुआ है और ये अभी इस बार आ गया है दोनों सेम है ये वाले पैटर्न में आप खुद निकाल के बताइए कैसे करना है ओके okay? अगर नहीं आए तो मुझे बता दीजिएगा मैं वीडियो रीशूट कर दूंगी बाय टेक केयर थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस कीप वाचिंग कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग